आप देख लीजिए, ये इसका आगे का लुक है, कूलर मास्टर 510 करके। सॉरी थोड़ा नॉइस है साइड में, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, फिर भी मेरे पास टाइम नहीं है तो भी मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ। 3 कूलर है, ये आपका कैबिनेट है, RGB पूरा सिंक होता है, बट कस्टमर को RGB नहीं चाहिए तो भी हमने सोचा क्या है वही बजट में आता तो हम बना लेते। साइड से देख लीजिए लुक्स, ये आपका इसके अंदर फ्यूरी का 2 रैम है, 32 GB 16x2, इसमें 4 स्लॉट है, नोकटुआ का कूलर है, और ये आपका ग्राफिक कार्ड और 1 TB SSD है इसमें, और 1 TB की हार्ड डिस्क है। ये आपका PC है, देख लीजिए। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, एक और PC बिल्ड किया है 130K के अंदर, देख लीजिए इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, i7 12 जनरेशन यूज किया, इसमें एफ सीरीज का 12 कोर है, 20 थ्रेड है, 25 कैश MB है, 4.8 GB से 10 nm है, और वर्कस्टेशन वाइज एंड गेमिंग ऑल्सो बेटर। उसके बाद ये मेरा फेवरेट कूलर नोकटुआ का यूज किया हुआ है, ND-U12S करके, मेरा फेवरेट बोल सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप कोई भी कूलर लो तो नोकटुआ ही लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके लिए ये मदरबोर्ड है Asus Prime B660+, जिसमें 128 GB तक रैम सपोर्ट है, और एक्स्ट्रा क्या क्या स्लॉट है, 2 PCIe है, 1 PCIe है, वाईफाई नहीं है सॉरी इसमें, और RGB पूरा कंट्रोलेबल है, एक HDMI है, VGA है, DP है, USB 2.0, 3.0 C पोर्ट एंड LAN पोर्ट्स, बजट के हिसाब से बेस्ट है। और ये आपका सैमसंग 1DB 980 3500 MBPS इसकी स्पीड है, SSD आपका, और 750 वॉट अपना डी पुल का पावर सप्लाई है, और ये आई गेम मेरा फेवरेट बोल सकते हो बजट के हिसाब से, 3070 हमने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज़ किया हुआ है, और फ्यूरी किंगस्टन की रैम यूज़ की हुई है हमने, 16x2 3200 MHz, और आपको कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ। ये आपका लिक्विड कूलर मैंने बोला था, एयर कूलर नोकटुआ का, क्योंकि लिक्विड कूलर लीकेज होने का चांस रहता है, एंड मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा कंटिन्यू यूज़ करो तो, और ये आपकी जो रैम है वो फ्यूरी विथ हीटसिंक के साथ है, और ग्राफिक कार्ड आप खुद ही देख लीजिए, 3 फैन है इसके अंदर, इसका हीटसिंक बहुत अच्छा है और कैपेबल है, और जो कैबिनेट है वो हमने कूलर मास्टर का 510 करके यूज़ किया हुआ है,